हेलो दोस्तों, इस मॉडल पे देखिए, ये जो है ये रिबूट जो प्रॉब्लम आता है ये, ठीक है, फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन यानी रिकवरी वाला ऑटोमेटिक आ जाता है, इसका प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे करना है। अब ध्यान से शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पे जुड़े हुए रहें, जिससे इस फ़ोन को हम पहले चालू करके हम दिखा देते हैं। देखिए अभी बंद है, ठीक है, इसको हम चालू करते हैं। देखिए ये जो है ये रिकवरी मोड पे यानी आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिक, जैसे ये ऑटोमेटिक आ जाता है जैसे ऑन करते हैं, तो यही रिबूट रिकवरी मोड में यानी फंस जाता है। अब देख सकते हैं ये, ठीक है, तो इसको इस वीडियो में प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अब शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए रहे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इसको ठीक करना है। पहले बोर्ड को लिंक निकाल लेना, उसके बाद पत्ता में ध्यान देना है कि पत्ता से किसी तरह कोई दिक्कत हो गई है क्या। पत्ता तो पूरा फ्रेश लग रहा है। तो सबसे सिंपल प्रॉब्लम है कि पत्ता से जिसे अलग करके सिर्फ यानी बोर्ड को चालू करके देखना था आपको, ये डिस्प्ले जैक सिर्फ लगाना है आपको और ये बैटरी का सॉकेट, ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका है। उसके बाद आपको इसको बोर्ड को उठा देना है और यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन को चालू कर लेना है। देखिए ये फ़ोन चालू हो गया, लेकिन फिर भी ये रिकवरी मोड पे फंसा हुआ, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आएगा अभी, देखिए फिर से आ गया, जबकि यहाँ ये पत्ता से कोई कनेक्शन नहीं इसका, ये पत्ता यहाँ कनेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर यानी प्रॉब्लम इसका आता है यहीं से, जो वॉल्यूम या पावर बटन जो शॉर्ट रहता है, वास्पन रहता है, ठीक है, तो उसके वजह से ये सब आता है शॉर्ट होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पत्ता का से कोई कनेक्शन नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। तो अब इसको यानी देखते हैं कि ये बोर्ड से कहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब इस वीडियो पे जुड़े हुए रहिए। सबसे पहले इस बोर्ड को यानी हम लोग को वॉश कर लेना, ठीक है। देखिए अब चेक करते क्या होता है। ये ऑन ऑफ हो रहा ऑटोमेटिक, जबकि यहाँ तो सब कुछ सही लगा हुआ है। फिर से इसको बैटरी खोल के लगा के देखते हैं। अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऑन ऑफ। देखिए ये फिर से वही उसी प्रॉब्लम पे है, ठीक है। तो अब जो है बताते हैं आगे का काम, ठीक है। देखिए पूरा पेस्ट इसमें दे लेना आपको, ठीक है।
साइड साइड में पूरा दे लेना, पूरा जो केप लगा हुआ है टीना जो है इसको पूरा चारों तरफ से लगा लेना पेस्ट, और इसको हल्का गर्म करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, गर्म करना है। देखिए ये कपड़ा नीचे का, तो इसमें ब्लोवर का हवा जो पड़ेगा तो उसमें यानी प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अब चालू करके। ठीक है, ये हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर लास्ट इसका जो काम होगा वो MNC IC चेंज करने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी तो फिर कोई उपाय नहीं होगा, लास्ट स्टेप यही है कि आपको MNC IC को रिबोल करके देखना होगा, तो नहीं तो फिर चेंज करना ही होगा, तब जाके ये फोन ओके होगा। फिट कर बाद